Galitos presents Osamo Speaks. Hello friends and fans, this is Osamo speaking. लो जी फिर आज दिन चढ़िया है आशिकी मनाने का, aka Valentine's Day. बात होगी पहले वुमनाइजर्स की, प्लेबॉयज. इनकी दिल लगी का मकसद और फोकस पाक दामन पाकीज़ा प्यार की तरफ नहीं बल्कि बलम की तरफ होता है. इन बहन के लोहे का कारोबार करने वालों का उसूल नंबर वन होता है कि देखो भाई, कहीं चाल शराबी आहा, कहीं आँख में जादू ओहो, कहीं जिस्म की खुशबू आहा. तो फिर किसी एक से मोहब्बत कैसे हो सकती है? मासूम लड़कियों देखो, इन भैंस चोरों की पहली निशानी होती है कि ये आपसे मिलने की रट लगा के रखेंगे. मिले? इनका पहला स्टेप ये होगा कि आपको विलायती चॉकलेट या बिस्किट के डब्बे देंगे, जिनमें आप तीसरे ही दिन कोई सिलाई कढ़ाई की सुई धागे रखेंगे. स्टेप नंबर टू, एक टेडी बियर जरूर देंगे जिसकी तुन्नी को आप दबाओगे तो वो आई लव यू बोलेगा. फिर आपके कोई छोटा बहन भाई उसकी तुन्नी को दबा दबा कर उसकी तुन्नी राबिया की तुन्नी से ज्यादा डूंगी करके उसके सेल बैटरी वगैरह सब खत्म कर देगा. स्टेप नंबर थ्री, फाइनल मिशन, फिर ये आपसे खोपचे में मिलने की डिमांड करेंगे और तब ये आपको बोलेंगे. जहर पिला देना, क्योंकि वैसे भी हवस की बीमारी हवसीर का कोई इलाज नहीं है. ऐसे चूथड़ चंगड़ चपड़ गंजू किस्म के लोगों के झूठे वादे के झांसे में मत पड़ना, उसको किस कुछ करने का बिल्कुल मत सोचना. इससे बेहतर यह कि तुम बबून की पिट्ठी को चूम चूम के अपने होंठ सुझा दो. और तुम लौंडे जो अपने माडल कानूनी के इमरान हाशमी बने हुए हो ना, याद रखना बेटा, कभी हवस का बंधन अटूट नहीं होता. जिस दिन लड़की के पहलवान भाई सुल्तान ने गलती से तुम्हारे मैसेज देख लिए ना, आपके मैंने देखे हैं मैसेजेस, मैंने देखे हैं हैदर भाई, या फिर उसने तुम दोनों को आंखों की गुस्ताखी करते हुए पकड़ लिया ना. तो बेटा सारी इमरानियत और हाशमियत पिट्ठी से दाल मसूर बन के निकल जाएगी. अब बात होगी सबसे मस्कीन फ्रेंड जोन भाइयों की. अगर 2012 में तुम्हारी लड़की से दोस्ती हुई है, 2013 में मजीद दोस्ती हुई, 2014 में शदीद मजीद दोस्ती हुई, 2015 में शदीद मजीद गहरी दोस्ती हुई, 2016 में शदीद मजीद घनी गहरी दोस्ती हुई, 2017 में शदीद मजीद यक यूनिट अटूट घनी गहरी BFF किस्म वाली दोस्ती हुई, और 2018 में आके तुम्हें एहसास होता है कि यार मैं तो उस लड़की से प्यार करता था, तो अब अगर अपने सजे धजे साजन को अपने सैया के बगल में खड़े होकर देख के तुम्हारा मुंह सैंडल जैसा हो जाता है तो भाई होने तो बनता है, अब तो देर हो गई. पूरा सीन सही टाइम पे अखरोट पैदा करने का होता है और बोलने का होता है कि आई लव यू, यू नो व्हाट, आई थिंक आई लव यू. बस इतनी सी बात कर लो, नहीं तो देर हो जाती है, तकलीफ तो होती है, फिर इधर दर्द होती है, इधर मुझे ही देख लो मैंने कितनी चोटें उठाई हैं. अब गेम आती है पूरी प्रपोज करने के स्टाइल की. अकॉर्डिंग टू अवर एडिटर राजा जी, घुटनों में बैठ के प्रपोज करने वाला आइडिया एपिक फेल है. एग्जैक्टली समो यार, आई थिंक अगर आप घुटनों में बैठ गए तो आप पहले ही थल्ले लग गए. तो बता दो क्या तरीका है सही. कौन है वो मद्रासी जो रगड़ रगड़ कर मेरे इस तन बदन को डोसा बना देगा? वो बम्बैया जो मेरे मुंह में वड़ा पाव ठूस देगा? वो पंजाबी जो मेरे मुंह में खट्टी लस्सी की पिचकारी मारेगा? अच्छा सॉरी यार, ये गलती डालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब वीडियो इतनी आरामी थी मैंने कहा डाल दूं. आई वाज यू नो किडिंग. बात करेंगे छड़े सिंगल अलिफ अकेले लौंडों की. वैलेंटाइंस के दिन प्यार के पंछियों को चोंच लड़ाते हुए देख के इनके मुंह पे फिटकार बरस आती है. देखो भाई, इनके छड़े होने की सबसे बड़ी वजह है इनके अपने बलगम तबीयत दोस्त, जो पेशाब करने के लिए भी इनके साथ चले आते हैं कि भाई आजा, ठीक है सही है, साथ में पेचे लड़ा लेंगे. मतलब लौंडे को अकेला छोड़ोगे तो कुछ करेगा ना. तरस तरस के जब कई बरस गुजर जाते हैं तो फिर ये लोग कहते हैं कि बस अब एक ही सहारा है. सख्ती एक लौंडे के मिजाज की सख्ती. इन शॉर्ट दे टर्न इनटू सख्त पूत. किसी काजल वाली लड़की की स्माइल पे जो ना पिघले वो सख्त पूत. लड़की के घातक हमले के बाद भी जो उसे बहन बहन बोल जाए वो सख्त पूत. तो बस फिर ठान लेते हैं कि ये महापुरुष किसी महिला के इशारे पे पिघलेगा नहीं. लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, अब तो यही बोलोगे ना, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है. जब जहाज में सफर करने के पैसे नहीं ना होते, फिर बंदा कहते हैं नहीं यार फ्लाइट में मुझे नोजिया होता है. फिर आते हैं सबसे लीचड़ मदरबोर्ड, जो आपको आके ये कहते हैं यार मेरी किसी लड़की से सेटिंग करवा दे. नहीं मतलब के इधर मैं dalal.com में लगा हुआ भैंस चोर. यार मेरी भी किसी लड़की से सेटिंग करा देना. तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? एक बच्ची यस करा दे यार, हमारा भी कुछ हो जाए. अच्छा मुझे एक बात बता, कमी क्या है मेरे में? बतले अंदर डॉक्टर दिया पुत्रा और पादरी और शेख और शैतान और शेख और रजाइल. इनकी आशिकी का कीड़ा जब भी हरारत में आएगा ये भाग के आपके पास आ जाएंगे. खैर अब यार ये वैलेंटाइंस डे हलाल हराम का मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मैं यूट्यूबर. मेरा फर्ज एक ही चीज से है कि भाई देखो, किसी को झूठे वादे शादे दे के किसी का दिल मत तोड़ना, क्योंकि रब दिला विच रहंदा. सो हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू दोज हु सेलिब्रेट.
एंड दोज हु डोंट हैप्पी जस्ट अनदर डे। सब्सक्राइब कर दो यार, देखो सिंगल आदमी हूँ, यूट्यूब ही मेरी गर्लफ्रेंड है। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। बहुत मैंने तुम झेला है, प्लीज मेरा साथ दो। बहुत मैंने तुम झेला है।